नमस्कार, स्वागत है आपका एनएन 24 पर। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। झारखंड में बालूमा थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से ड्राइवर और क्लीनर घायल, नाजुक हालत में भेजे गए अस्पताल। बिहार के पश्चिम चंपारण में घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग, 90% झुलसी महिला, गंभीर हालत में भेजा गया अस्पताल। महाराष्ट्र के अकोला में 25 लाख के जाली नोट के पूरा गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसपी के स्पेशल टीम ने किया गिरफ्तार। गिरोह से बड़ी मात्रा में 100 और 500 के जाली नोट बरामद। और झारखंड के जमुआ में एसडीएम ने लोगों को दिलाई स्वच्छता की शपथ, ज्यादा से ज्यादा शौचालय पर दिया जोर। बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड के चमुआ पंचायत के सैदपुर गांव में ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय सचिव वंदना प्रेयसी शामिल हुई। कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा का वितरण किया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, पंचायत राज के जनसंपर्क पदाधिकारी राजीव, बीडीओ मनोज कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह, डॉक्टर किरण शंकर झा और नरकटियागंज की प्रखंड प्रमुख सुशीला देवी शामिल हुई। तरह तरह की बीमारी होती है, उससे भी छुटकारा पाया जा सके, तो उस योजना के अंतर्गत भी आज गैस सिलेंडर के कनेक्शन बांटे गए हैं। बच्चों के परिवार को भी परसों तक बांटे दिए जाएंगे और इस गांव में 100% ये गैस के चूल्हों का और गैस का ही इस्तेमाल करना है। उस तरीके से दो और अन्य योजना है जो बैंक द्वारा दी जाती है, बीमा योजना है, दो अलग अलग तरीके की योजना है, उससे भी आपको चाहूंगा कि उसमें भी आप बैंक के द्वारा जो योजना दी जा रही है उससे भी सम्मिलित हो जाए। आज चूंकि यहाँ पे उपस्थित है कई सारी माता भगिनी है, तो जो आप लोगों ने अभी छाता देखा होगा इंद्रधनुष करके, इंद्रधनुष के सात रंग होते हैं, उस तरीके से अलग अलग तरीके के बच्चों का टीकाकरण का कार्यक्रम भी होता है। झारखंड के लंगटा बाबा समाधि परिसर में खोरी महुआ के एसडीएम रविशंकर विद्यार्थी ने स्वच्छता महोत्सव में पहुंचे लोगों को समाधि के पास स्वच्छता की शपथ दिलाई। लोगों ने कसम खाई कि वे खुद स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को भी स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करेंगे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि वैसे लोग जिनका नाम शौचालय बनाने की सूची में नहीं था, ऐसे संपन्न लोग खुद से शौचालय का निर्माण करावें। गांव समाज के लोग भी आपस में बैठकर ऐसे लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने उपस्थित स्कूली बच्चों को भी स्वच्छता को लेकर जरूरी टिप्स दिए। खड़िया पंचायत मुख्यालय को पंचायत को ओडीएफ घोषित किया गया है, उसी के लिए ये उत्सव था, स्वच्छता का उत्सव इस पंचायत का था, तो लोगों के साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया और लोगों को स्वच्छता के टिप्स दिए और यह उम्मीद थी कि भविष्य में इन बातों का ध्यान रखें, आप स्वच्छ रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। हम लोगों ने बाबा के मंदिर परिसर में सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई ताकि वो लोग अपने कर्मों के प्रति सजग रहें और इस कार्य को आगे लेकर बढ़ते रहें। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल अनुमंडल कार्यालय में रविवार को शहर में लगने वाले जाम की समस्या को लेकर अधिकारियों की बैठक एसडीओ अमित कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शहर में जाम न लगे इस पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें नेपाल में जाने वाली गाड़ियों को एक लाइन में रखने व ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की सहमति बनी। बैठक में डीएसपी संजय झा, नपा के कार्यालय पदाधिकारी रीता कुमारी, उपसभापति काशीनाथ प्रसाद, थाना प्रभारी उग्रनाथ झा सहित अन्य उपस्थित थे। बिहार के मोतिहारी में केसरिया के बीआरसी भवन में शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे ग्राम स्वराज अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीविका एवं कौशल विकास योजना का संयुक्त कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामशरण यादव ने किया। वहीं मौके पर आए भाजपा के एमएलसी बबलू गुप्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम देश भर में चल रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार बनाना है, आधे आबादी को स्वलंबी बनाना है। इस मौके पर कई बैंकों द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण भी दिया गया। ग्राम स्वराज अभियान पूरे देश में चल रहा है, इसमें इसके तहत आज जीविका और कौशल विकास से संबंधित लोगों को बुलाया गया था, उनका कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा।
युवाओं को और महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ना जोड़ने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसी के तहत ये कार्यक्रम हुआ है। और उनका ये मानना है कि जब तक देश के युवाओं और माताएं हमारी आधी आबादी देश के विकास में नहीं जुड़ती है सही रूप से देश का विकास नहीं हो पाएगा। उसी के तहत आज सभी लोगों का कार्यक्रम हुआ है। झारखंड में जमशेदपुर कोल्हान के प्रसिद्ध भगवान भोले शंकर के हरिणा मंदिर परिसर और क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जल्द ही बात करेंगे, यह कहना है सांसद विद्युत वर्ण महतो का। वहीं जमशेदपुर के उपायुक्त अमित कुमार ने भी प्रसिद्ध हरिणा मंदिर को विकसित करने की बात कही और उपायुक्त ने प्रसिद्ध हरिणा मंदिर में पूजा अर्चना भी किया, साथ में जिला परिषद चेयरमैन भी पहुंची। हम आपको बता दें कि कई राज्यों से सावन में प्रसिद्ध हरिणा मंदिर में भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना करने श्रद्धालु पहुंचते हैं और गर्मी के समय में 7 दिनों तक यहां मेले का भी आयोजन किया जाता है। हरिणा मंदिर में आज मैंने दर्शन किया और मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाएं उसके विस्तार के लिए कार्य योजना बनाई गई और जिला स्तरीय पर्यटन समिति के माध्यम से उसको हम लोग एक समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और 3 दिवसीय मेला भी लगता है। यहाँ कैसे हम लोग जन सुविधाओं का विस्तार कर सकें उसको लेकर के जिला प्रशासन काफ़ी संवेदनशील है और आगे आने वाले दिनों में उसकी योजना तैयार करके इसको क्रियान्वित किया जाए। देखिए इसको इस क्षेत्र के जो विधायक यदि मेनका सरदार जी लगातार सदन में इस बात को रखे विधानसभा कि काफ़ी हम लोग आस्था है इस क्षेत्र के लोगों का, काफ़ी जागरूक है और भोले बाबा के आशीर्वाद में काफ़ी लोगों का मनोकामना भी पूरा हुआ और सही पैमाने पर इसको डेवलप करने के लिए प्रयास हो रहा है। इसके संबंध में हम लोग अमर गौरी जी माननीय मंत्री जी हैं, इससे संबंधित उनसे इस बार आग्रह किए हैं कि मेला में इस बार एक बार जरूर आएगा तो निश्चित रूप से कुछ कुछ योजना छोटा छोटा योजना में जरूर मिला है। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। फर्जी नोट लूटने वाले लुटेरों का एक समूह महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस अधीक्षक की एक विशेष टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 25 लाख के साथ इस गिरोह को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 500 और 100 रुपए के नोट प्राप्त किए गए हैं। इस कार्रवाई में एक कार में 500 और 100 के नोट जब्त करने के बाद मोटरबाइक और लगभग 25 लाख की जाली रकम जब्त की गई। विशेष टीम को गिरोह के बारे में गुप्त जानकारी मिली थी जिन्होंने कुछ मुद्रा नोटों के साथ नकली मुद्रा नोट बनाए थे। इस जानकारी से विशेष दल के प्रमुख हर्षराज अलासापुरे ने एक जाल बिछाया और गिरोह को फंसा लिया। बनावट नोटांचा आमिष दाखवून लुटमार करणारी टोळी सक्रिय असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली, त्यानुसार आम्ही बस स्टँड चौकामध्ये ट्रॅप लावला आणि एकूण 4 लोकांना अरेस्ट केलं। यामध्ये यवतमाळचे 3 लोक आहेत आणि वाशिम जिल्ह्यातला 1। आपण एकूण यांच्याकडून 25 लाखाच्या वर बनावट नोटा जप्त केले। सर कोणी फरार आहे का सध्या? एक महिला फरार आहे, तिचा शोध घेणं सध्या चालू आहे। बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज स्थित शिकारपुर थाना क्षेत्र के तरहरवा बैरिया गांव में शमसुद्दीन अंसारी के घर में गैस से लगी आग से झुलसकर एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसकी प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर सुनील कुमार ने किया। डॉक्टर कुमार के अनुसार महिला लगभग 90% झुलस गई है। ऐसी परिस्थिति में कोई ईश्वरीय चमत्कार ही नवजीवन प्रदान कर सकता है। सूत्र बताते हैं कि शमसुद्दीन मियां के घर में 1 बजे अपराहन गैस जलाने गई शमसुद्दीन की पत्नी सायरा खातून उसकी चपेट में आ गई और हादसा हो गया। सरकारी हॉस्पिटल में केस कटवा के नहा जिम्मा पड़े हम चल गए नहीं है। जान
झारखंड में चतरा जिले के टंडवा थाने के कुंडी कोलियरी से कोयला लेकर आ रहे 3 ट्रकों को अज्ञात अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। सभी ट्रकों को बालूमाथ थाने के चमतू ग्राम के पास रोककर उसमें आग लगा दी गई। घटना करीब 12 से 1 बजे के बीच की है। अपराधियों की संख्या 3 बताई जा रही है। सभी का चेहरा ढका हुआ था। साथ ही ट्रक जलाने के बाद अपराधी एक पर्चा भी छोड़ गए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं अपराधियों के द्वारा गोली भी चलाई गई, जिसमें एक ट्रक का खलासी बिमलेश यादव के पैर में गोली लगी है, जिसका बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया गया, जो अभी खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। गाड़ी रुकवाया, रुकवाने के बाद सीधे डायरेक्ट हमको बोला बोनट खोलो और सीट उतारो नीचे लगा। उसके बाद खोलने के बाद वो रुआ में अथी पेट्रोल मार के आग लगा दी। और किसी को गोली उली भी लगा है? किसी को गोली मारा लगा था? गोली लगा है। वो पीछे वाला बिहार का ड्राइवर है, बिहार का गाड़ी, उसका गोली लगा है। 2 गोली उसमें उसमें फायर किया था, 1 गोली उसको लग गया, 1 गोली मेरा फायर किया था। उसके बाद फिर फायर कर रहा था, फिर फायर नहीं किया तो मतलब काम नहीं कर रहा था। उन लोग लूटपाट के नियत से आया हुआ था या फिर गाड़ी में आग लगाना ही था उन लोगों का? सब के नियत था, सब अथी जुगाड़ के साथ आया था, लगाना था। झारखंड में बालूमाथ थाने के सुरंगी टोंगरी में एक अनियंत्रित हाइवा पलट गई। इस दुर्घटना में हाइवा का खलासी घायल हो गया। सूत्रों के अनुसार एक हाइवा ने हाइवा को चकमा दे दिया। इस कारण हाइवा अनियंत्रित होकर मेन रोड में पलट गई। इस दुर्घटना में ट्रक का ड्राइवर बच गया और खलासी को चोटें आई हैं, जिसे बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया और बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेज दिया गया। ज्ञात हो कि इस रोड में प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसका मुख्य कारण है ट्रकों की गति का काफी तेज होना। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड के पटजिरवा गांव में नवनिर्मित हनुमान मंदिर के हनुमान जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमित्त ग्रामीणों द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाला गया। कलश यात्रा में महिलाओं की भी व्यापक सहभागिता रही। यात्रा के दौरान बजरंगबली के जयकारे से माहौल भक्तिमय हो गया। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज में 6 सड़कों का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह व पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम अरेराज सोमेश्वर उच्च विद्यालय प्रांगण में आयोजित था। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार।